नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सबका स्वागत है द गुरु रिव्यू शो में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बिग साइज सेट 4.5 का रिव्यू। और दोस्तों ये सेट जो है 5 के बाद अनाउंस किया गया था, शायद वो भूल गए थे तो बाद में इसलिए इसका नाम 4.5 रख दिया गया। इसमें तीन कॉमिक्स आई थी दोस्तों, जंगलिस्तान, आधे इंसान और तुरुकचाल, तीनों ही जो है 2 in 1 है। तो सबसे पहले चलिए जंगलिस्तान को देख लेते हैं। इसमें भेड़िया और तिरंगा है और इसके साथ जो है ये इलू कार्ड आया है भेड़िया का, और ये है आपका एक स्टैम्प स्टिकर। अगर आप इसमें सेट डिटेल्स देखेंगे तो दोस्तों सेट डिटेल्स ठीक हैं और इसका जो प्राइस है वो 150 है दोस्तों। और इसमें पेपर जो है वो मैट यूज हुए हैं और बाकी कोई भी ऐसा इशू नहीं है जैसे कि पहले की कॉमिक्सों में आ रहा था। इसके लेखक हैं दोस्तों हनी फजर जी, चित्र जो है धीरज वर्मा जी ने किया है, संपादक इसका मनोज गुप्ता जी ने किया है और कैलीग्राफी जो वो है की गई है TR आज़ाद जी के द्वारा। तो दोस्तों इसकी कहानी ये है कि भेड़िया जो है कुछ लोगों को देख लेता है कि वो जानवरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो है उसको पता चलता है कि ये शहर से आए हैं, तो भेड़िया को फिर एकदम से कुछ हो जाता है और वो जो है जंगलिस्तान बनाने की सोचता है शहर में। इसी चीज़ के चक्कर में जो है उसका टकराव होता है तिरंगा से। तो कैसा होगा ये टकराव इसमें यही दिखाया गया है। अब अगर हम कहानी की बात करें तो दोस्तों मेरे को थोड़ा इसमें भेड़िया का रोल समझ में नहीं आया, थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा इसमें भेड़िया का रोल, क्योंकि इसमें भेड़िया को एकदम ही पागल सा दिखा दिया गया तो मुझे ये लगा। और वैसे अगर आप देखें भेड़िया जो है गैंगस्टर के रोल में काफ़ी अच्छा लगता है। जंगलिस्तान मुझे इतनी जो है खास नहीं लगी, इसलिए मैं जो है इसको 5 out of 10 दूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आती है आपके आधे इंसान, इसकी संख्या नंबर है 104। ये जो है आपकी स्टील और भेड़िया की 2 in 1 कॉमिक्स हैं। तो इसमें भी जो है आपको मिले हैं ये पोस्ट कार्ड और स्टैम्प स्टिकर, और इसके साथ जो है आपको सेट डिटेल्स देख सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो है देखिए इसमें जो है बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है कि जो भी क्रेडिट्स दिए गए। तो लेखक इसके हैं तरुण कुमार वाही, कथानक जो है विवेक मोहन जी और संजय गुप्ता जी ने किया है, चित्रांकन इसका धीरज वर्मा जी ने किया, कैलीग्राफी इसके TR आज़ाद जी के द्वारा है और शाहीकार हैं इसके राजेंद्र धोनी, संपादक इसके आपको जैसे पता है मनोज गुप्ता जी। तो दोस्तों जो इसका टाइटल है आधे इंसान, इसी से आपको समझ आ सकता है कि स्टोरी में क्या है। तो स्टील भी जो है वो आधा इंसान है और भेड़िया भी जो है आधा इंसान है, और साथ में जो है एक गुंडा आ जाता है जो काफ़ी सारे जो है उसके पास गन्स वगैरह होती हैं और भेड़िया जो है उनको जो है मार देता है। उसके बाद जो है वो गन्स को एक गुफा में छुपा देता है। ये बात पता चल जाती है पुलिस वालों को ये बताया जाता है कि भेड़िया करके एक खूंखार अपराधी है जो जंगल में है और उसके पास काफ़ी सारा जो है असला बारूद है। स्टील को इसके लिए भेजा जाता है और उसके बाद जो है क्या होता है इस टक्कर का परिणाम वो है इस कॉमिक्स में। तो दोस्तों वैसे अगर आप कॉमिक्स देखेंगे तो मुझे जो इसका कॉन्सेप्ट है आधे इंसान का वो अच्छा लगा, जैसे कि अच्छे तरीके से यानी कि काफ़ी सोचा गया है कि दो बंदे हैं जो दोनों ही आधे हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये। और इसको जो है मैं 10 में से 7 देना चाहूँगा दोस्तों पॉइंट्स, और ये मैं कहूँगा कि ये रिकमेंडेड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसका भी रेट जो है दोस्तों 150 है और इसके पेज संख्या भी 64 है, इसमें कुछ बीच में ऐड पेजेस भी हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं आपकी तुरुपचाल, जिसका संख्या नंबर है 108 और ये भी जो है 2 in 1 विशेषांक है परमाणु और तिरंगा का। अगर आप दोस्तों इसके साथ स्टैंप स्टिकर देखें तो ये हैं और इसके साथ जो है एक पोस्ट कार्ड ये दिया गया है। अगर आप सेट डिटेल्स देखें तो सेट डिटेल्स बिल्कुल ठीक है। तुरुपचाल के जो लेखक हैं वो हैं हनी फजर जी और विवेक मोहन जी, पेंसिलिंग इसकी धीरज वर्मा जी ने की है, इंकिंग इसकी जो की है वो परमाणु की जो है मनु जी ने की है, तिरंगा की जो है वो दिलीप चौबे जी ने किया और फ्लैश गैंग की जो है वो धीरज वर्मा जी ने किया है। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने काम किया इसमें और बैकग्राउंड जो है राजेंद्र धोनी जी ने किया है, कैलीग्राफी इसकी TR आज़ाद जी ने, कलर स्कीम इसकी सुनील पांडे जी ने किया और संपादक जैसे कि आपको पता है मनोज गुप्ता जी है। तो दोस्तों तुरुपचाल की कहानी है कि कुछ लोग जो होते हैं एक गैंग आ जाता है, फ्लैश गैंग होता है उसका नाम, वो जो है पुराने जो भूतपूर्व आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको मारने लग जाता है। क्यों मार रहा होता है, किस लिए मार रहा होता है ये नहीं पता चलता, और ये आपको पता चलेगा इस कॉमिक्स को पढ़ के। इसमें जो है दोनों ही परमाणु और तिरंगा जो है बाकी प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कॉमिक्स लिखी गई है दोस्तों मेरे को काफ़ी पसंद आई और ये मेरी जो है बचपन में भी फेवरेट थी, बाद में मैं इसकी हालांकि कहानी भूल गया था तो अभी मैंने दोबारा से पढ़ी तो मेरे को दोबारा से काफ़ी अच्छी लगी। और इस कहानी को जो है इस कॉमिक को मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप सबके पास ये होनी चाहिए और इसको जो है मैं 10 out of 10 में से जो है 9 points दूंगा। और काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों तुरुपचाल, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको पढ़िए, आपको जो है पसंद आएगी पढ़ के, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा 4.5
जो सेट आया था उसको लेके रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ शेयर करें और कमेंट कीजिए आपको इन तीनों में से कौन सी कॉमिक्स पसंद है। मेरी पसंद तो जो है वो है तुरुपचाल। और साथ के साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए साथ में ही, अगर आप जो है मिस नहीं करना चाहते कोई भी अपडेट। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।